बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नाबुदू व इयाका नस्ताईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सब पे रहम करे। दोस्तों, इस यूट्यूब की वीडियो में आज मैं बात करने चाह रहा हूँ पाकिस्तानी बाइक, पाकिस्तानी कंपनी होंडा, ठीक है, जो पाकिस्तान में काफ़ी सालों से मतलब क्या कहते हैं मोटरसाइकिल सप्लाई कर रही है और काफ़ी अरसे से तकरीबन 80 से 90% लोग जो हैं वो होंडा वालों की बाइक इस्तेमाल करते हैं। अब मार्केट में दूसरे ब्रांड भी आ गए हैं, चाइनीज़ ब्रांड भी हैं, लेकिन होंडा को ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के जो रोड्स हैं, पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है, उसके मुताबिक होंडा बाइक्स को ज़्यादा पाकिस्तानी प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। दरअसल आज बात करना चाहते हैं कि हमें मतलब क्या कहते हैं कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि हम 2024 के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं तरक्की कर रही है इस दुनिया में रहते हुए। ये दुनियावी लिहाज से ये मैं बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो को आप किसी और एंगल में मत लीजिएगा। अब जैसा कि आज डॉलर का रेट जो है वो ओपन मार्केट में एक डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में 278.74 पैसे है, यानी वही 278 रुपये का तकरीबन एक डॉलर है। तो यानी 300 से डॉलर 278 तक का है, तो रेट्स होंडा बाइक के फिर भी कम नहीं हुए। जब 300 रेट था डॉलर का, तब भी होंडा बाइक के रेट सेम थे और अभी भी रेट सेम है। हालांकि होना ये चाहिए था कि जब डॉलर का रेट नीचे आया है, होंडा पाकिस्तान की जो कंपनी है उसको भी चाहिए कि पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए अपने रेट्स बहुत ज़्यादा नीचे कर दे, डाउन कर दे, क्योंकि मतलब गरीब आदमी की एक ही सवारी थी, वो भी CD70 ज़्यादातर लोग ले लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी आप उनकी होंडा की वेबसाइट पे जाके देखें जो प्राइस हैं, अगर CD70 आपने लेनी है उसकी प्राइस 1,57,900 है, 1,57,900 CD70। इसमें जो आपको कलर मिलते हैं, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, उसके बाद प्राइडर है इनकी एक बाइक, ठीक है, उसकी जनाब जो प्राइस है वो है 2,08,900, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाएं 125 में, इससे पहले मैं प्राइडर में बता दूं, उसमें भी आपको यही कलर मिलेंगे, रेड, ब्लैक और ब्लू। और फिर 125 की बात करें, होंडा 125, उसमें रेड कलर, ब्लैक कलर, प्राइस जो उनसी है 2,34,900, उनकी वेबसाइट पे भी लिखी है प्राइस। फिर आप बात करें CB125F, उसमें कलर है रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, प्राइस उसकी है 3,90,900 रुपया, ठीक है। फिर CD Dream की बात करें, ठीक है, उसमें कलर है रेड, ब्लैक, सिल्वर, उसकी प्राइस है 1,68,900 रुपया, ठीक है। तो आप इस प्राइस से और डॉलर के रेट से आप ख़ुद कंपैरिजन करें कि मतलब हम लोग कहते हैं जी हुक्मरान ठीक नहीं पाकिस्तानी, मतलब अवाम कौन सा ठीक है, ठीक है। मुझे आप ये बताएं कि मतलब डॉलर का रेट 300 से कम हो के 278 तकरीबन चला गया है, तो ये है कि इनको चाहिए ना कि गरीब आवाम के लिए मतलब मोटरसाइकिलों के रेट कम करें। फिर उसके बाद आप आ जाएं कि मतलब आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ठीक है, हर चीज़ मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक मतलब आ रही है मार्केट में और आ भी गई है। हम अभी भी पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, सही है। तो मतलब ये वही पुरानी मतलब मैनुअल चीज़ें मार्केट में होंडा बाइक्स वाले दे जा रहे हैं जी, वो आप फुट से स्टार्ट करो, किक मारो, ठीक है, और मोटरसाइकिल लेके जाओ। इन्हें चाहिए कि अगर आपने इतनी ज़्यादा कीमतें इनक्रीज़ की हैं बाइक्स की, तो उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, मतलब रीफर्बिश करें, उनमें मतलब कुछ इलेक्ट्रिक्स मतलब दें पाकिस्तानी आवाम को, मतलब ऐसी बाइक्स दें कि मतलब चलो आप एक CD70 है फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा चलने वाली बाइक, आप उसको इलेक्ट्रिक बाइक बना दें, लोग सोलर से चार्ज कर सकें, लोग मतलब जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे उसे चार्ज कर सकें,
मतलब कुछ भी नहीं ये लोग कर रहे, वही पुरानी मतलब चीज़ें जो चली आ रही हैं वैसी हमें दे जा रहे हैं और अवाम को लूट रहे हैं और अवाम भी लूट रही है। ठीक है, इसमें मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब ये सोचने वाली बात है हमारे लिए कि हम मतलब अगर कोई चीज़ सस्ती हो भी इंटरनेशनल मार्केट में, हम लोगों ने कसम खाई है कि हमने अपनी पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचाना। तो ये वीडियो आज की मेरी होंडा बाइक्स के लिए है और होंडा बाइक्स के जो लवर्स हैं उनके लिए है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो में मतलब क्या कहते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन में। जज़ाकअल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।